भाई अगर आपका बजट 13 लाख से लेकर के 20 लाख के आसपास तक का आपका बजट है और आप एक फुल फ्लेज एसयूवी देख रहे हो जिसका जो कैरेक्टर वो भी एसयूवी वाला हो, साथ ही साथ में रियर व्हील ड्राइव हो, बिकॉज आज की डेट में अगर एसयूवी की बात करें तो जो एसयूवी आती है उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, बट अगर हम एक रियर व्हील ड्राइव एसयूवी की बात करें जिसका कैरेक्टर भी एसयूवी वाला हो प्लस उसका पूरा डिजाइन लैंग्वेज वगैरह की बात करें तो सारा कुछ आपका एसयूवी वाला ही हो, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है जो कि आता है आपका स्कॉर्पियो क्लासिक वाला, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेम में आप जो देख रहे हो तो ये आपका स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरी डिटेल और स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें कौन सा इंजन आ जाता है, इंजन की डिटेल्स वगैरह क्या है, प्लस इसके इंटीरियर वगैरह और एक्सटीरियर वगैरह की सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ कि इसमें इंजन किस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सो अगर यहाँ पे इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो मिलता है एम हॉक इंजन मिल जाता है, और इसके जो भी हम वेरिएंट वगैरह की बात करें तो उसमें एक ही इंजन मिलता है, डीजल इंजन आपको मिलता है जो कि आपका तकरीबन 2200 सीसी का होता है। और यहाँ पे आप अगर जो न्यू जनरेशन वाला आ रहा है तो उसमें आप देखेंगे इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है हुड को खोलना और बंद करना। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे पावर फेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको तकरीबन 130 bhp और 300 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ये जो आपका एम हॉक इंजन है, न्यू जनरेशन वाला जो इंजन है, इसमें वाइब्रेशन जो है काफी हद तक जो है कम हो गया। कैबिन नॉइज की बात करें, जो स्टेयरिंग में आपका जो नॉइज अगर वाइब्रेशन पता चलता था प्लस आपके जो गियर लीवर पे वाइब्रेशन आता वो काफी हद तक जो है कम हो गया, ठीक है। तो ये तो रहे अपने इंजन और वाइब्रेशन वगैरह की बात, और अगर हम बात करें तो ये आपका जो टर्बो चार्ज में आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, फ्रंट प्रोफाइल देख लो भाई, गाड़िया कुछ फ्रंट प्रोफाइल आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये आपका पूरा हेडलैम्प का सेटअप हो जाता है जिसमें आपको जो हाई बीम जो मिलता है वो हैलोजन मिलता है, जिसमें यहाँ पे जो कस्टमर ने जो कस्टमर का फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने यहाँ पे चेंज करा के इसके बल्ब वगैरह चेंज करवा लिए। और ये जो आपको लो बीम जो मिलता है आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, और यहाँ पे आपके इसके इंडिकेटर की प्लेसिंग हो जाती है। और यहाँ पे फेंडर में जो है आपका एम हॉक लिखा हुआ है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आईब्रो स्टाइल में आपको LED DRS देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपके जो है फॉग लाइन की प्लेसिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके ग्रिल वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है, ये आपका न्यू आपका महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है आपको रगिड सा लुक देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये सिल्वर कलर में जो आपको जो है स्किड प्लेट वगैरह देखने को मिल जाती है। अब इसी के साथ में अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख लो कुछ इस तरह से आपको गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हो फेंडर में आपको इंडिकेटर जैसे आपको ऑलरेडी बताया था वहाँ पे एम हॉक की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है दोनों साइड में, फेंडर में इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे टायर सेक्शन वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पे 17 इंच के आपको अलॉय देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर टायर सेक्शन की बात करें 235/65 जो है टायर सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और रियर में अगर हम बात करें तो वो आपके जो है ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तकरीबन 209 mm का जो है आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी अगर फर्दर डायमेंशन वगैरह की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वहाँ से डायमेंशन वगैरह आप जो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे हैंडल्स वगैरह की बात करें तो बॉडी कलर्ड आपको हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पे ORM वगैरह पे बात करें तो आपको कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलते हैं, जस्ट बिकॉज साइड इंडिकेटर आपके जो है फेंडर में आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे रूफ रेल्स वगैरह की बात करें तो रूफ रेल्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह की बात करें तो 60 लीटर का जो आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका व्हील बेस जो है 2680 mm का ना व्हील बेस मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या है ना आपका रियर सीट में जो पैसेंजर बैठते हैं उनको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाता है, और जो इसकी बैक सीट यानी थर्ड रो की जो सीट है वो आपकी जो है मतलब डिटैचेबल है, उसको आप हटा भी सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस वगैरह में कुछ इश्यू आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, मैं इसकी ड्राइविंग पोजीशन अपने अकॉर्डिंग करके और इसमें आपको ना दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, जिसमें मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है सीट को कम्प्लीट डिक्लाइन वगैरह रिक्लाइन वगैरह भी कर रखा है, और अपनी लेग के अकॉर्डिंग जो है ड्राइविंग सीट वगैरह जो है एडजस्ट कर रखी है, जो कि कम्फर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अब इसी में क्या है, हम इसे रियर सीट्स में जाते हैं और जो कि कैप्टन सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ बता दो, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इस प्राइस पॉइंट में अगर आप कैप्टन सीट्स लेना चाहते हो तो कैप्टन सीट्स आपको मिल जाएगा, बेंच वाले लेना चाहते हैं तो बेंच सीट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो यार, मैंने जो फ्रंट सीट थी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, और जैसे कि वो 2680 mm का व्हील बेस है तो अगर कोई 6 फुट का बंदा बैठता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मैंने यहाँ पर रिक्लाइन कर रखा है और आप देख लो, और कम्प्लीटली मैंने स्लाइड कर रखा तो इतनी है, बट अगर आपकी हाइट जो है
5'9" 5'10" है, या आगे वाला जो बंदा है 5'9" के आसपास का, पीछे आपकी हाइट तकरीबन 6 फीट भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर कोई 6 फीट वाले बंदे, 6 से ऊपर वाले बंदे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, बिकॉज जहां तक कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप हेडरूम की बात करो तो हेडरूम तो काफी अच्छा है, सफिशियंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम और ये मेरी हाइट की अगर 6 फुट के बंदे, उससे ऊपर के बंदे बैठे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे डोर वायर की बात करें तो देख लो, डोर कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे वैसे सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सॉफ्ट टच हो जाता है। ये प्लास्टिक ही है बट थोड़ा सा सॉफ्ट टच वाला ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेदरस फिनिश दे रखी है बट ये जो है एनीहाउ आपका प्लास्टिक है, ठीक है। ये डोर हैंडल्स आपको दिए गए, यहाँ पे आपका मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बोतल वगैरह की बात करें तो बोतल होल्डर दिया गया, जिससे प्रॉपर आपकी 1 लीटर की बोतल इजिली आ जाएगी, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हो जाती है आपकी सेकेंड रो, ओके। सो अभी एक बार ना थर्ड रो भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड रो में आपको किस तरह का स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके भाई, यहाँ अगर थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे हमें देख लो, कुछ इस तरह से आपका थर्ड रो में स्पेस है। मेरी हाइट जो 6 फीट है, आगे की सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, पीछे की सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर रखी है। पीछे की सीट में बैठने कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ रियर सीट थर्ड रो में आते हैं तो वहाँ पे 6 फुट वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। तो ये जो सीट है आप बच्चों वालों के लिए जो है कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह की बात करें, यहाँ पे कुछ बूट स्पेस नहीं है, बट ये थर्ड रो है वो आप डिटैच करके अपना बूट स्पेस वगैरह जो है इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपकी विंडो है काफी वाइड है, तो क्लस्ट्रोफोबिक वगैरह तो फील नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लाइट के थ्रो वगैरह की बात करें तो ये आपको येलो थ्रो के साथ लाइट मिल जाती है थर्ड रो में भी। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह का आपको स्पेस, मैंने स्पीकर दिए गए बिकॉज आपका टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पे स्पीकर वगैरह आपको दे रखे हैं, ठीक है। एसी के वेंट्स आपको थर्ड रो में नहीं मिलते हैं, बट सेकंड रो में आपको जो है एसी के वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड रो में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह बोलो तो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में एसी के वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड वगैरह नहीं दी गई, नॉर्मली आपके एसी के वेंट्स है। बस थर्ड रो में आपको एसी के वेंट्स से मिलेंगे। सेकंड थिंग, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाले कि यहाँ पे आपको ना कोई भी सी टैप या पे यूएसबी चार्जिंग देखने को नहीं मिलता, जो कि इसका जो है माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतनी बड़ी गाड़ी में ये जो है चार्जिंग पॉइंट वगैरह तो देना ही चाहिए था, सेलफोन चार्जिंग का, ठीक है। एटलीस्ट अगर 12 वोल्ट चार्जिंग भी दे देते तब भी काम बन जाता, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने के बाद ऑल फोर यहाँ पे जो है पावर विंडो आपको देखने को मिल जाती है। एक बार हम यहाँ सा रियर भी देख लेते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो आप देख लो कुछ इस तरह से गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके डोर ओपनिंग की बात करें, रियर डोर की ओपनिंग की, तो कुछ इस तरह से आपका डोर ओपनिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की बात करें तो वो आपको जो इसकी प्लेसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में डिफॉगर और वॉशर वगैरह आपको देखने को, डिफॉगर और वाइपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैमरे वगैरह की बात करें तो कैमरे की प्लेसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये आपका महिंद्रा का लोगो हो जाता है। और यहाँ पे आपको S11 की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपको इसके टेल लैंप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे बात करें तो एज स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाता है। तो ये कुछ गाड़ी का आपको मतलब रियर प्रोफाइल हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में कैबिन वगैरह, कैबिन आपको किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डोर की ओपनिंग देखते हैं, तो डोर की ओपनिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। चारों को पावर विंडो देखने मिल जाता है, और यहाँ पे विंडो लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेयरिंग वगैरह की बात करें, ठीक है, ओके। सो अगर स्टेयरिंग वगैरह की बात करें तो कुछ आपको इस तरह से आपको स्टेयरिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने मिल जाती है, और S11 में आपको जो है लेदर रैप्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्रूज की बात करें, आपको क्रूज वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के और ऑडियो के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी मल्टी फंक्शनलिटी वाला आपको जो है स्टेयरिंग आपको देखने मिल जाता है। अच्छा खासा आप देख सकते हैं, आपको वाइड आपको एरिया मिलता है, यानी कि आपके बोनेट की विजिबिलिटी आपको देखने मिल जाती है। अच्छे खासे वाइड आपको जो ओवरऑल वगैरह देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर टोन की बात करें तो वही डोल टोन आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइट आपको मतलब कि प्लास्टिक वगैरह देखने मिल जाती है, टफ प्लास्टिक देखने मिल जाती है, और ये भी आपका जो है प्लास्टिक वगैरह। एसी के वेंट्स वगैरह की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, और ये आपके कुछ इस साइज में आपको 9 से 10 इंच की आपको जो है स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। एक बिलीव है तो 11 से 12 इंच की आपको जो स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। ऑटो एसी देखने मिल जाता है, और ये आपका जो है 6 स्पीड जो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन है, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको गियर बॉक्स, और यहाँ पे हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको यूटिलिटी का स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा वुडन आपको ट्रीटमेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, बट एनीहाउ ये भी जो आपका जो है प्लास्टिक है आपका, ठीक है। और ये आपका जो आप देख सकते हो तो आपको कप बोर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये कुछ आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आईवीआर वगैरह की बात करें तो वो आपको जो है मैनुअली मिलता है। और अगर इसमें देखें
तो ये आपका जो है वैनिटी मिरर वगैरह आपको जो है सनशील्ड पे नहीं दिया है और को पैसेंजर को है वैनिटी मिरर आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेयरिंग वगैरह की बात करें तो ये आपका जो है टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है टिल्ट है, ठीक है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो कुछ इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और वो जो है आपको एनालॉग में दिया गया स्पीडोमीटर और टैकोमीटर और बीच में जो है MID की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। अभी हम बात करें तो 274 किलोमीटर आपकी जो ड्रिवन है, सो कुछ इस तरह से आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। अभी इसी के साथ अगर यहाँ पे हम इसके सेफ्टी फीचर्स वगैरह की बात करें तो इसमें आपको जो है दो एयरबैग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एज स्टैंडर्ड जो है ABS EBD वगैरह देखने को मिल जाता है, इमोबिलाइजर सेंटर लॉकिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में वो रियर वॉशर डिफॉगर वगैरह तो आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो है सेफ्टी फीचर्स आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। सो फाइनली ये थी हमारी डिटेल स्पेसिफिकेशन और रिव्यू हम बोल सकते हैं अपना इस S11 का। अगर इसके एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो भाई 17,06,000 जो इसका एक्सशोरूम हो जाता है और ऑन रोड की बात है तकरीबन आपको 20-21 लाख की आपको जो है ऑन रोड आपको देखने को मिल जाती है। बट एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो बजट है और आपको S11 ही मतलब कि स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेने को सोच रहे हैं तो एज पर माई सजेशन आप इसके ना बेस वेरिएंट में जा सकते हो, बिकॉज बेस वेरिएंट में क्या है कि आप थोड़ा सा आपको जो प्राइस होगा 13,65,000 के आसपास जो है उसका एक्सशोरूम देखने को मिल जाएगा और उस प्राइस के बाद जो आपका एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसमें जो है आप इसके अलॉय वगैरह और म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है लगा सकते हैं, जिसमें आपका जो है अपग्रेड जो है थोड़ा वैल्यू फॉर मनी आपको देखने को मिलेगा और प्लस आपका हेडलैम्प वगैरह भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसका बेस वेरिएंट लेकर के कुछ आपके जो चेंजेस वगैरह अपग्रेड वगैरह करा के उसमें टॉप मॉडल आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली ये था आपका डिटेल रिव्यू S11 को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके फ्रेंड जो भी हैं जो कि S11 या क्लासिक वगैरह देख रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जो है शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ।